चल झूठा। क्या बोला तूने? प्यारी समझ गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के एक और वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं बिलासपुर जंक्शन, और मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूं वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो ये फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। सबसे पहले आपको ट्रेन का एक वॉक अराउंड दिखाते हैं, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे ऑल द वे टू द एंड ऑफ द जर्नी, जो कि नागपुर में जाके ख़त्म होने वाली है। ये ट्रेन है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस, आपके सामने सबसे पहले इंजन कंपार्टमेंट ही आगे आता है। तो पहले इसी को देख लेते हैं किस तरीके से हमारे लोको पायलट हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस को ड्राइव करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन और एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, और आई बिलीव ये इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। मैक्सिमम स्पीड आई बिलीव इस ट्रेन की 160 किलोमीटर पर आवर है, बट ऑफिशियली इसे 130-125 इसी रेंज में ड्राइव किया जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड पर चलाने के लिए वैसे रेलवे ट्रैक्स का भी होना काफ़ी ज़रूरी है। और 11 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया था, और आज है 12 दिसंबर और आज इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है, और फर्स्ट टाइम हम भी वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करेंगे फ्रॉम बिलासपुर टू नागपुर। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बिलासपुर से नागपुर जाने वाली सबसे तेज ट्रेन है ये। इस ट्रेन दोस्तों बिलासपुर से नागपुर जाने में लगते हैं सिर्फ 5.5 घंटे। इन बिटवीन 4 स्टॉपेज है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंडिया एंड एट द एंड नागपुर। बिलासपुर और नागपुर के बीच में 4 स्टेशनों पर ये गाड़ी रुकेगी, हर एक स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। दुर्ग में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गाड़ी रुक जाए, जस्ट बिकॉज के दुर्ग में कैटरिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लोड की जाती हैं गाड़ी में, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि दुर्ग में गाड़ी ज़्यादा रुक जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट सिर्फ 4 स्टॉपेज आपको मिलेगा पूरे जर्नी में। इन बिटवीन 69 इंटरमीडिएट स्टेशन भी आएंगे बिलासपुर से नागपुर में, जहाँ ये गाड़ी नहीं रुकने वाली है, और सेम चीज़ होने वाली है रिटर्न में। रिटर्न में भी ये गाड़ी सिर्फ 5.5 घंटे लेती है नागपुर से बिलासपुर तक जाने के लिए, स्टॉपेज वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। अब बारी है दोस्तों ट्रेन के अंदर चलने की, और आज का जो हमारा बुकिंग है वो एग्जीक्यूटिव क्लास में हमने करवाया है, और लगभग 2000 समथिंग का प्राइस पड़ा है मुझे। तो ट्रेन के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ पर देखिए आपको पूरी तरीके से जैसे आपको रेडी एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पे कूलर, हीटर, फ्रीज़र वगैरह सब कुछ है, जो कि कैटरिंग के जो भी खाने पीने की चीज़ें आएंगी उन्हें प्रिजर्व करके यहाँ रखा जाएगा। और कुछ ऐसा आउटलुक है दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्लास कोच का, पूरे ट्रेन में दो एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लाइट्स हैं जो टच सेंसर से काम करते हैं, और सेम बंद करने के लिए भी आप टच करेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ऊपर की तरफ आप लगेज अपना रख पाएंगे, और देखिए काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आए हैं ट्रेन का वीडियो बनाने के लिए। क्या नाम दिया आपके जाने का? लाइफ ऑन व्हील्स। लाइफ ऑन व्हील्स? लाइफ ऑन व्हील्स। लाइफ ऑन व्हील्स। आपका नाम, आपके चैनल का नाम क्या? सॉरी, जे एम डी जर्नी विथ राहुल। जर्नी विथ राहुल, हाँ जे एम डी। ओके, चेक करता हूँ। काफ़ी सारे व्लॉगर आप देख सकते हैं वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, काफ़ी सारे लोगों को जानने का भी मौका मिला हमें इस पूरी जर्नी में। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हमने बनाया है इस वीडियो को। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और काफ़ी कुछ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर फोटो ले लो, फिर घुमाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, और ये है छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली है। और हम हैं अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा सीट है, कमाल का विंडो है, और यहाँ से आप सनसेट को चाहें तो ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस सीट को आप रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जस्ट इन केस आप व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसे एंजॉय किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये सब इसी के लिए बिल्कुल ले लो यार। थैंक यू। और यहाँ पे दोस्तों मिलता है LCD स्क्रीन जिस पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। तो आइए देखते हैं ट्रेन नंबर, बिलासपुर से नागपुर तक जाने वाली है गाड़ी 12:12 और नेक्स्ट स्टॉपेज 110 किलोमीटर। अच्छी बात यह है कि आई गेस यहाँ पे स्पीड भी डिस्प्ले होने वाला है, तो स्पीड डिस्प्ले होता है या नहीं ये तो पता चलेगा। वैसे क्लॉक का टाइम भी बता रहा है 6:24, 6:45 पर गाड़ी यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे आपके पास है बाथरूम, वेस्टर्न स्टाइल का बाथरूम। और कुछ ऐसा बाथरूम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वेस्टर्न स्टाइल का बाथरूम है ये, काफी बेहतरीन। और ये रहे हम, और जैगवार की फिटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, काफी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप देखिए हर एक सीट पे इंडिविजुअल मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पर तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ बिलासपुर से नागपुर की तरफ, और बिलासपुर से नागपुर का टोटल डिस्टेंस का मुझे पता नहीं है, बट यहाँ से टाइम लगने वाला है लगभग 5:30। और ये है छठी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने देश में चलने वाली। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ट्रेन काफ़ी ज़्यादा साउंड है, कहने का मतलब है मेरा कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है अभी तक, और स्पीड ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर पर आवर तक अचीव किया है इस गाड़ी ने। बट ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि आप इतनी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, सच में बहुत कमाल की ट्रेन बनाई है इंडियन रेलवे ने, एंड दिस इज़ अ थिंग वी मस्ट अप्रिशिएट। काफ़ी सारे लोगों के मूवमेंट आते जाते, बस रस बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में, और स्पेशली मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा हूँ तो यहाँ पे तो और भी रस नहीं है। चेयर कार में हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, जैसे कि सेंटर से जो ट्रे टेबल बाहर आता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील देता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपका ट्रे टेबल सामने से ही कुछ इस तरीके से निकलेगा और आप इसी के ऊपर रख के खाने वाले हैं, आप पूरी तरीके से वो फ्लाइट वाली फीलिंग आने वाली है। और जब आपके हाथ में कैमरा हो तो आते जाते मैक्सिमम लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है, पता नहीं आप क्या ही कर रहे हैं। और सर आ गए, तो फिलहाल तो कोई काम बचा नहीं है, तो बस जर्नियों करते हैं इंजॉय, और ब्रेकफास्ट अभी आया नहीं है, आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है हमें। तो अभी हमारा चाय का किट आ गया है दोस्तों, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये चाय का किट, साथ में एक बिस्किट और एक कप। फिलहाल पानी नहीं है चाय पीने के लिए, तो जैसे ही सब कुछ आता है उसके बाद हम चाय को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा चाय मिलता है
वंदे भारत में। थैंक यू बिस्किट वैसे ठीक ठाक है, चाय हमारा बन गया है और अभी बज रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जब से गाड़ी हमारी बिलासपुर से निकली है गाड़ी नॉन स्टॉप 120 किलोमीटर पर आवर प्लस चल रही है, लाइक 130 के आसपास चल रही है। जैसा कि मीटर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा वहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्पीड डिस्प्ले हो रहा है। चाय भी ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है लेकिन ओके, क्योंकि किसी भी ट्रेन में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस आप बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेन में ना बैठे। बस ये ट्रेन भी एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता मत समझिए इसे। बिलासपुर से नागपुर तक का पूरा फेयर लगा है दोस्तों लगभग 2000 रुपये, 2000 रुपये थोड़ा ज़्यादा ही लगा है, 2000 रुपये मार के चलिए। 2000 रुपये का टिकट लेके हम ये चाय बिस्किट खा रहे हैं। आप लोगों का सूट अच्छा लग रहा है, पूरा पायलट वाला लग रहा है, यूनिफॉर्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यूनिफॉर्म गाड़ी चार ग्रुप बना है, चार एक एक दिन कार में ड्यूटी पड़े है। अभी फिलहाल तो 2 महीना हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिर देखो सबको करेगा क्योंकि प्रेजेंट में सबको ड्रेस सिलाना पड़ेगा पहचान कर नहीं दी अपने आप खुलता है और तो है। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन हमारा आ गया है रायपुर जंक्शन पे और नॉन स्टॉप 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चलते चलते हम पहुंचे हैं फिलहाल रायपुर जंक्शन। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का और बहुत ही जल्दी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। पूरी तरीके से ब्लैक शीशे, जेट ब्लैक शीशे, ऑटोमेटिक दरवाजों के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये हमारे टीटी साहब खड़े हैं, कुछ ऐसा है सिस्टम यहाँ पे। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे ब्लॉगर दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना, वो कौन? इसके माँ बाप सर बताइए। ये फोटो खींच ले तीनों का। हेमंत कुमार आएगा आएगा बिल्कुल आएगा। अपन जा रहा हूँ आपका भी आ रहा है, हम लोग को बॉम्बे बुला देगा। आप किसने
सॉरी वो अपना पर्सनल वाला पर्सनल है सर, यूट्यूब में आएगा चैनल का नाम बता देना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे, हम लोग कैमरे पे दिखते कैसे इसको, ये करके आप मोबाइल पे ला सकते हैं। अभी मुश्किल है, साइज बड़ा है ना इसका, तो ट्रांसफर करते करते टाइम लग जाएगा। क्या चैनल आपका? आपका फोन दे जैसे मैं आपका फोन दे जैसे मैं खोल देता हूँ चैनल। कोई मेरे को बना देगा, मैं हाँ बोल देना, मैं समझ जाऊँ। आप मेरा ले रहे हो? नहीं। मैं क्या बोलूँ, आपका नाम क्या था भैया? अंशुमन। अंशुमन, तो अंशुमन जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी हर बात पे हंस रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। अब तक तो यही है, और अभी हम लोग आधे घंटे के लिए कवर कर चुके हैं भैया के साथ, और बस अभी कंफर्टेबल का एहसास हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है, और लग्जरी दिख रही है पूरी ट्रेन। यहाँ पे जो लाइटिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, 2x2 का रेशियो है ट्रेन में, और ऑटोमेटिक डोर्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे धीरे धीरे करके मैं आप लोग के साथ भैया आगे। आपके आपके चैनल का नंबर है? किसी को दिखाएंगे आपका चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है आई एम अनबीटेबल। ओके, मेरा नहीं पूछे भैया, मैं इतने देर से बकबक कर रहा हूं। बताइए, मेरा चैनल का नाम है फ्लाई लाइटिंग, मेरे चैनल इन्होंने ही प्रोड्यूस किया है, यही अच्छा क्या बोलते हैं डायरेक्टर है, यही प्रोड्यूसर है, सब कुछ ये है, लेकिन व्लॉगिंग मैं करता हूं। अच्छा, आप कुछ नहीं बोल रहे भैया? अरे क्या सुन रहे हैं आप? मैं तो 1 घंटे बिलासपुर से बोलता आ रहा हूँ ना। अच्छा, बोलते आ रहे हैं आप 1 घंटे से बोल रहे हो, मतलब उस समय आपका हाल ले जा रहा है। इसलिए परेशान हो रहा हूँ, ताकि जो मैं बड़े क्या है इसके मेरा चैनल, और आगे लोकल कहाँ से रहेगा? नहीं, बिलाई बिलासपुर से चढ़ा हूँ। और ये आप देखिए दोस्तों, दुर्ग स्टेशन हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट ऑन द टाइम ट्रेन पहुंची है स्टेशन पे, और कल की तरह आज तो भीड़ नहीं है उतना, और काफ़ी सारे ब्लॉगर्स यहां पे मिल गए हैं। तो आप लोग को हैप्पी जर्नी, हम मिलते रहेंगे। चल झूठा भाई, देखते हैं अब हम पहुंच गए हैं दुर्ग स्टेशन, और इस तरफ के दरवाजे होंगे ओपन। मेरे को लगा मैं ही, यहाँ पे इतने सारे ब्लॉगर लोग जुड़े हुए हैं, और विंडो डोर ओपन होते हुए देखने चाह रहे हैं, ये महान दृश्य है, खुल रहा गेट है। अरे वाह, सभी का स्वागत है दुर्ग में। कैंट्री वाले तो आठ कंपनी
बस आप लोग ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, जी सर, बस एक बार रेडी करें सर, गरम हो गया भी और लोग सर्व करेंगे सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भी अजीब बड़ा सा किम्बल लेके और इतनी प्यारी स्माइल दिया, सच में मजा आ गया। स्माइल देख के मजा आ जाता है लगे हैं। देखिए ऑटोमेटिक गेट को पार कर रहे हैं अभी तक हम लोग डेढ़ घंटे में। सब फाइनली दोस्तों तीसरा स्टॉप आ गया है हमारा और अभी हम पहुंचने वाले हैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन में ही और बिलासपुर से निकल के फिलहाल बज गए हैं सुबह के 9:45 को ट्रेन निकली थी वहां से। और टाइमिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिलासपुर से राजनांदगांव तक पहुंचने में कितना समय हमें लगता है। ट्रेन ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम पे 125-130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलती है, बट उस स्पीड पे भी ऐसा कुछ ज़्यादा फीलिंग नहीं आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जर्क आपको फील नहीं होने वाला है। बट फिर भी क्योंकि इस ट्रेन का स्टॉपेज हर जगह पर, तो मैक्सिमम स्टेशन पे 2-2 मिनट का, सिर्फ दुर्ग में थोड़ा ज़्यादा स्टॉपेज था जस्ट बिकॉज के दुर्ग में ही जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो सब कुछ लोड किया जाता है गाड़ी में, इस वजह से दुर्ग में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉपेज करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर आप लंच ब्रेकफास्ट या फिर और कुछ और गाड़ी के अंदर डालेंगे नहीं तो फिर पैसेंजर्स को खिलाएंगे कहाँ से। इसलिए सो फार सो गुड, जर्नी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। और राजनांदगांव स्टेशन जस्ट आने ही वाला है, फिलहाल हम आउटर में हैं, राजनांदगांव स्टेशन हम पहुँचने वाले हैं। और वंदे भारत का अभी तक का जर्नी हमारा बहुत बेहतरीन जा रहा है। यहाँ से चलने वाले हैं हम नागपुर तक, ऑलमोस्ट स्टार्ट टू एंड तक का जर्नी करेंगे और रिटर्न भी हम इसी ट्रेन में आने वाले हैं। एक दिन में ऑलमोस्ट 6-7-8 घंटे हम इसी ट्रेन में फिलहाल बैठने वाले हैं। अभी तो ट्रेन स्लो हो गई है क्योंकि राजनांदगांव ऑलमोस्ट आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि राजनांदगांव के साथ ब्रेकफास्ट भी हमारा बहुत जल्दी सर्व किया जाएगा। और जैसा कि मुझे बताया गया था कटलेट और ऑमलेट वगैरह कुछ तो भी है ब्रेकफास्ट में, अब क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए उतना मज़ा आ जाएगा खा के। तो फाइनली ये दोस्तों आ गया हमारा स्टेशन राजनांदगांव और ब्रेकफास्ट भी सर्व होने वाला है बहुत जल्दी, बस इंतज़ार कीजिए थोड़ी देर और बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व होगा। और प्रॉबेबली चांसेस है कि जब हम नागपुर से रिटर्न आएंगे इस गाड़ी में तो नागपुर से ये गाड़ी 2 बजे के आसपास खुलती है, तो चांसेस पूरे हैं कि हमें वहाँ पे शायद लंच मिल जाएगा, या तो जाते टाइम लंच मिलेगा या फिर आते टाइम लंच मिलेगा। देखते हैं कौन सी जर्नी में लंच ऑफर किया जाता है। 9:00 हो गए हैं 15 मिनट, 6:45 को हम निकले थे, 7:45, 8:45 और लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगा है बिलासपुर से राजनांदगांव आने में। आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अरे भैया लेके आए हैं ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट है कि क्या है ये? ओके ब्रेकफास्ट आएगा अभी, घूमने फिरने आना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें मिल गया है कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए और क्योंकि ये पैकेज फूड है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा होना ही है। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ये काइंड ऑफ स्टार्टर है, ब्रेकफास्ट आया नहीं है, ब्रेकफास्ट आने वाला है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स को भी सर्व किया जा रहा है। उसमें आपको बता दूं मैं लाइफ में पहली बार कॉर्नफ्लेक्स खा रहा हूँ, बहुत सही लग रहा है। मैं बस वेट कर रहा हूँ बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट आ जाए, मैं ब्रेकफास्ट करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा हो गए ट्रैवल करते करते। दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स तो हो गया हमारा ख़त्म और बहुत जल्दी आने वाला है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सुना होगी ऑमलेट और कटलेट कुछ तो भी आएगा, अभी क्या आएगा पता नहीं, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बस देखते हैं थोड़ी इधर में आने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट। और भाई साहब को अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे। इल्ले इल्ले।
अरे नहीं नहीं गिरेगा ना, भरोसा है मेरे को ट्रेन के ऊपर। अगला स्टेशन आने वाला है गोंडिया जंक्शन और कुछ पैसेंजर्स भी बोर्ड करेंगे और प्रॉबेबली कुछ पैसेंजर्स बोर्ड भी करेंगे गोंडिया जंक्शन में। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 9:30 बज गया है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा और बचा है यहाँ से नागपुर पहुँचने में। देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा निकलेगा इस ट्रेन में, आई डोंट नो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा निकले। और अभी तक नाश्ता नहीं आया यार, बहुत ये मतलब सारी सर्विसेज ठीक है लेकिन दिन के 9:30 बज गए हैं और नाश्ता अभी तक नहीं आया, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। कंपेटिवली अगर मैं देखूँ तो राजधानी वगैरह में टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ें मिलती रहती है। देखना पड़ेगा क्या क्या है इसमें। तो फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है और देखिए यहाँ पे एक ट्रॉपिकाना एप्पल जूस, आई गेस अनार का जूस है, साथ में दही और प्रोबेबली इसमें वेज पनीर कटलेट और वेज उपमा, ये तीन चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। तो अभी तीनों आइटम को वन बाय वन टेस्ट करते हैं। डोंगरगढ़ स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेज नहीं है। तो अगर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों तो पीछे ही रेलवे स्टेशन के पीछे ही आपको दिख रहा है जो पहाड़ का भव्य पहाड़ कहा जाता है, जिस पहाड़ की चोटी पर माता बम्लेश्वरी जी विराजमान। तो देखिए यही वो खूबसूरत सा पहाड़ है डोंगरगढ़ का दिखाई देने वाला। और दोस्तों डोंगरगढ़ को पहाड़ों का शहर माना जाता है, यहाँ चारों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। और इसका वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सब मजा आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये भैया जी स्माइल देते हैं प्यारी सी और एंगल बराबर ले रहे हैं, कोई एंगल नहीं छूट रहा है इनके हिसाब से। और देखिये यहाँ से पहाड़ भी दिख रहा है। और एक स्पेशल बात और एक चीज और खूबसूरत है, वो है इनका सब्सक्राइब बटन, जल्दी से दबाइए, दबाओ सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट बात नहीं छोड़ते भैया, बोलेंगे ना तो एकदम इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे भैया, बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे, हंसते रहे स्माइल देते रहे। दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्लास की एक स्पेशल बात यह है कि जो विंडोज दी गई है यही करते करते नागपुर आ जाएगा, और क्या फिर यही करते करते वापस भी आना है। जिंदगी में और रखा क्या है, मैं पापा को बाय भी नहीं बोलता। कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ठीक था। ये आ गया हमारा दही, ट्रॉपिकाना जूस, पनीर कटलेट, वेज उपमा। अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता इसमें सिवाय दही और जूस के, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो पड़ेगा क्योंकि यार भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत लग रहा है। मेरे ख्याल से एसी का टेम्परेचर शायद सेट करना भूल गए हैं, सबसे पहले क्या खाऊं पता नहीं चल रहा है। ट्राई करते हैं वेज उपमा और देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। वेज इनका वेज वाला, ये वेज वाला रिव्यू देंगे, मैं नॉन वेज वाला रिव्यू। दोस्तों बारी है सबसे पहले वेज उपमा ट्राई करने की। टेस्ट इसका डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, ओके ओके टेस्ट है। और ये अपने अपने पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको उपमा पसंद है या नहीं है, कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो कितनी भी अच्छी बन जाए आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्या बोला तूने? प्यारी समझ गई। फाइनली दोस्तों गोंडिया जंक्शन से भी गाड़ी हमारे निकल चुकी है, 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे। और यहाँ के बाद अगला स्टॉप होने वाला है नागपुर जंक्शन, यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पे। वंदे भारत का एक्सेलरेशन दोस्तों मानना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट एक्सेलरेशन देता है ये गाड़ी, टॉर्क काफ़ी ख़तरनाक है इस गाड़ी में, बहुत ही जल्दी 0 से 100 तक स्पीड पकड़ लेता है।
और देखते ही देखते 120 130 की स्पीड में गाड़ी चलने लगती है और हम जस्ट अभी गोंडिया जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। बहुत बड़ा जंक्शन है, मैक्सिमम गाड़ियों का स्टॉपेज होता है इस जगह पे। इस रूट में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो उसमें से अधिकतर गाड़ियों का स्टॉपेज यहाँ पे दिया गया है, फिर चाहे वो वंदे भारत हो या फिर राजधानी हो या फिर शताब्दी। इस गाड़ी में दोस्तों अभी तक हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी खा लिया है, चाय मैंने दो बार पी लिया है। खाने का टेस्ट डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते बट ओके ओके टेस्ट। अरे हमारे एक और ब्लॉगर ब्लॉगिंग करके जस्ट अंदर आके बैठे हैं। अरे किससे बात काम चल जाता है उसमें, मुझे भी नहीं अच्छा लगा और हमारे को पैसेंजर्स को भी उतना ज्यादा मजा नहीं आया खाने में। बाकी चीजें अच्छी थी लेकिन टेस्ट को थोड़ा डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए IRCTC को या फिर जो भी कंपनी इस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है उन्हें टेस्ट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्वांटिटी कितना भी अच्छा हो टेस्ट अगर अच्छा नहीं हो तो अब दूसरी बात है खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा और फिर जर्नी का जो अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें वो मिर्च जैसा काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप इतने लोगों तक शेयर करेंगे कि पहुँच जाए IRCTC के पास और हमारा जो रिव्यू है उसका पॉजिटिव फीडबैक मिले हमको नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस ट्रेन में ट्रैवल करें। और फिलहाल हमारे एक और को पैसेंजर अभी जाके नाश्ता कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, ब्लॉगर का लाइफ कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। देखिए अब जाके मुझे गोंदिया के बाद खाने का खाना नसीब हुआ लेकिन अभी तक 3 घंटे से मैं बड़बड़ करते जा रहा हूँ। डबल डायमंड क्रॉसिंग दोस्तों, ये देखिए ऐसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारा जो द्वार है ट्रेन का वो दाएं तरफ का खुलेगा, दाएं बोला है, दाएं फाइनली दोस्तों ये भाई साहब GoPro 8 पे शिफ्ट हो चुके हैं। फाइनली मैं GoPro 9, GoPro 8, सीट अरेंजमेंट सारे चीज चेंज हो चुकी है मेरी, लेकिन मेरी वॉइस की जो वॉइस वैसी की वैसी मेंटेन है। हाँ ये तो है, वॉइस वॉल्यूम लक्ष्मण झूला बारह बज के 15 मिनट के लिए अभी 20 मिनट बाकी है ना, 15-20 मिनट हम लोग पहले पहुंच गए दोस्तों नागपुर जंक्शन। टाइम 5 घंटा रखा जाए। अल्ट्रा फास्ट में ही थोड़ा और नागपुर जंक्शन में अराइव हो चुके हैं और इसी तरफ प्लेटफॉर्म आया है भैया, दाएं तरफ हमारा प्लेटफॉर्म आया है और भैया जी सारे ब्लॉगर्स जितने भी मैंने अभी तक देखे सभी ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों को सच में दिल से अप्रिशिएट करता हूं, मैं आप लोगों को बहुत मेहनत करते हो आप लोग। दूसरे ब्लॉग में फिर मिलेंगे, हां फिर मिलेंगे आपको चलते चलते और आप भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
इनकी तो बॉडी बन जाती होगी, 5 किलो का गिम्बल और 2 किलो का कैमरा पकड़े। चलिए अब डिपार्चर करते हैं, ट्रेन से उतरा जाए, ट्रेन से उतरा जाए दोस्तों, और इस ट्रेन को बाहर से देखा जाए। बाहर से जितनी खूबसूरत लगती है ना, अंदर से उसके डबल है, अंदर से और खूबसूरत लगती है। लग रहा है छोड़ेगा इसी प्लेटफॉर्म से। हो सकता है यहीं पे रोक दो यार, हम लोग अच्छे से और क्या, चलिए नागपुर स्टेशन के बढ़िया अच्छे से वीडियो बनाएंगे। सही सही है। 7 नंबर है क्या? 7 नंबर पता नहीं चल रहा है। 7 नंबर है, 8 नंबर वाला अच्छा प्लेटफॉर्म था यार, वही ले जाता मेट्रो से ही निकल लेते। अच्छा हुआ वहाँ नहीं रुके, वहाँ पे इतना गंदा हम लोग का इम्प्रेशन पड़ा। अब ये भाई क्या हो रहा है, ऐसा निकली क्या? 7, 6, 5, 4 किसकी बारात जा रही है, इतने सारे कैमरामैन आ गए। जो भी स्टेशन उतरे ना अभी हम लोग, ऐसा लग रहा है बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, ब्लॉगर ही उतर रहे हैं। उनमें तो उतरते ही उतर रहे, जो ब्लॉगर उतर गए थे वो खाली होगा। चलो सीट चेंज करके जाते हैं। हां हां अपना अपना सीट घुमा लो पहले। जल्दी समाप्त समाप्त।